सब्सक्राइब कीजिए टेक गाय चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hey what's up guys, I am Pujan और आज के वीडियो में हम लोग डाउनलोड करने वाले एक बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाली फाइटिंग गेम गाइस 1v1 फाइटिंग गेम है गाइस। और अगर आपने मतलब कि टेकन गेम्स खेली होगी, मतलब कि टेकन की सीरीज खेली होगी तो समथिंग टू रिलेटेड लाइक दैट ही है गाइस। बहुत ही मतलब कि उसके जैसे ही है, पर इसके ग्राफिक्स टेकन से भी ज़्यादा बढ़िया है गाइस। अगर आप एक मोबाइल में फाइटिंग गेम ढूंढ रहे हो तो ये गेम आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना गाइस। इस गेम का नाम है साउल कैलिबर ब्रोकन डेस्टिनी। तो गाइज़ ये थी गेम यार, और बहुत ही बढ़िया गेम है गाइज़, आप ज़रूरी ट्राई कर लेना इस गेम को यार। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई करिए, आगे आपको गेम प्ले मिलने ही वाला है अपने आप, उसमें देख लीजिए कि कितनी HD और हाई ग्राफिक्स वाली गेम है गाइज़। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उस बटन को दबा दीजिए, और उसके बाद जो मैं जो बेल आइकन होता है उसको दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। उसको दबाने से क्या होगा कि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी गाइज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको क्या करना होगा, मैंने आपको डाउनलोड लिख ले दिया, वहां से आपको दोनों फाइल डाउनलोड कर लेनी होगी। सॉरी गाइस, एक फाइल गेम की फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी होगी। अब जो गेम की फाइल डाउनलोड कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है गाइस, और वहां पे आपको एक ऐप सर्च करना है जिसका नाम है जेड आर्चीवर। अब आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये ऐप होगा, इससे हमारी जो फाइल की गेम की फाइल है गाइस वो एक्सट्रैक्ट होने वाली है। तो ये ऐप आप ज़रूरी डाउनलोड कर लेना गाइस। फिर गाइस ये ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद, सॉरी गाइस मैं भूल गया, फिर से आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपको जो हमारा PSP का इम्यूलेटर है वो डाउनलोड करना होगा गाइस। अगर आपको नाम पता होगा तो बढ़िया है, वरना कह देता हूँ PPSSPP आपको सर्च करके ये जो APK है वो डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि है PSP का इम्यूलेटर जिसमें आज हम ये गेम खेलने वाले हैं। फिर आपको गाइस जाना होगा उस फोल्डर में जहाँ पे आपने जो मेरी गेम की फाइल है वो डाउनलोड की है। तो देख सकते हैं ये रही हमारी 372 MB की फाइल, उस पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन पे एक्सट्रैक्ट हियर क्लिक कर लेना है। अब ये एक्सट्रैक्टिंग पहली प्रोसेस है वो एकदम ही जल्दी जल्दी हो जाएगी, बट क्योंकि गाइस ये थोड़ी छोटी है पर आगे वाली फाइल बहुत ही बड़ी है। अब गाइस आपके पास ऐसा फोल्डर आ जाएगा एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद गाइस, देख सकते हैं, तो आपको उसको ओपन करना है और छेक नीचे मतलब कि नीचे जाना है, और वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क बिना की फाइल दिख रही होगी गाइस, उस पर रेयर फाइल दिख रही होगी, उस पर आपको सेकंड ऑप्शन एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। इसको भी गाइस आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हमारी गेम आने वाली है गाइस, जो कि हमारी जो साउल कैलिबर डेस्टिनी, सॉरी गाइस ब्रोकन डेस्टिनी है। बहुत ही बढ़िया फाइटिंग गेम है गाइस, ग्राफिक्स भी इसके बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो मतलब गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एंडिंग तक देखना, क्योंकि गाइस इसमें थोड़े सेटिंग्स करने वाला हूँ मैं, जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी गेम हो सकता है कि हर PSP की गेम की तरह लैग कर जाए गाइस, और लैग करेगी गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखना, सेटिंग है थोड़ी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो 859 MB की आ जाती है ISO फाइल गाइस। तो आपको ये मतलब कि ISO फाइल आ जाए तब आप बाकी सब फाइल्स जो है वो डिलीट करना चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं, और अगर मतलब कि रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, स्पेस खाली करना चाहते हैं गाइस अपने मोबाइल में तो गाइस आप ये फाइल सारी डिलीट कर सकते हैं, इसका हमें कुछ अभी काम नहीं है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी डिलीट कर लेता हूँ सारी फाइल्स, और फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं डिलीट ही करने वाला हूँ, और यस गाइस तो डिलीट कर लेने के बाद जो ISO फाइल आपके पास आती है गाइस वो आपको रख लेनी है एक जगह पे, और फिर आपको जाना है PSP इम्यूलेटर पे जो अभी हमने डाउनलोड किया है गाइस। तो देख सकते हैं ये हमारा मतलब कि PSP इम्यूलेटर, फिर आपको जाना है गेम्स में, और आपको वो जगह पे जाना है जहाँ पे आपने ये गेम एक्सट्रैक्ट किया। तो मैंने ये RS फोल्डर में की है, उसके अंदर एक फोल्डर है साउल कैलिबर का, उसके अंदर ये हमारी गेम है गाइस। तो देख सकते हैं गेम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अब गाइस ये है, अभी आगे आपको सेटिंग दिख जाएगी गाइस, देख सकते हैं गाइस अब हम सेटिंग करने वाले। तो सेटिंग में क्या होगा, बैक जाना है आपको, गेम सेटिंग्स में जाना होगा गाइस, गेम सेटिंग्स में। फिर जो यहाँ पे मोड दिख रहा है गाइस आपका बफर रेंडरिंग होगा, तो गाइस आपको क्या करना होगा, आपको स्किप बफर रेंडरिंग कर लेना होगा गाइस, स्किप बफर इफेक्ट्स, फ्रेम स्किपिंग आपको ऑफ रखनी होगी गाइस। फिर नीचे जाना है, डिस्प्ले रिजोल्यूशन जो है गाइस वो आपको 4x PSP कर लेना होगा, और 4x PSP करने के बाद जो लेजी टेक्सचर है वो भी आपको ऑन कर लेना होगा, लेजी टेक्सचर। फिर उसके नीचे वाला रिटेंड चेंज टेक्सचर वो भी आपको ऑन कर लेना होगा, डिसेबल स्लोअर इफेक्ट वो भी ऑन कर लेना होगा, और जो कर्व्स क्वालिटी है गाइस वो हाई होगी तो आपको लो कर लेनी होगी। बस गाइस यही थी सेटिंग्स, अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। अगर आपने ये सेटिंग देख ली है तो आपकी गेम एकदम ही बढ़िया चलने वाली है गाइस। तो चलिए अब हम गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं।
तो देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पे गेम प्ले पे आ गया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वही सारी सेटिंग्स मैंने कर रखी है। फ्रेम स्किपिंग भी ऑफ है गाइस, जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है वो 4x है गाइस, बाकी तीनों तीन ऑप्शन जो है वो आपको ऑन रखने हैं, और जो कर्व्स क्वालिटी है वो लो कर देनी है गाइस। अब गाइस मैं आपको कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ कि ये गेम कैसी है। बहुत ही बढ़िया गेम है गाइस, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारा सेव है, तो गाइस मैं एक नया ही डेटा बना देता हूँ। मैंने पहले भी खेल रखी थी, पर मैं आपको नया डेटा बना के सब कुछ जो गेम प्ले दिखाने वाला हूँ गाइस, तो आप एक गेम प्ले इंजॉय कर लीजिए, फिर मैं आपको वीडियो का एंडिंग मैं मिलता हूं। बस दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो ऑन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या मेरा गेम पसंद आई हो, तो गाइज यार प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए अमेजिंग एप्स गेम्स और एक्स की वीडियोस लाता रहूंगा गाइज। Here we go.